बाहर से जब हम पनीर लाते हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना महंगा आता है और कभी कभी तो बहुत ही हार्ड आता है और काफ़ी बार बहुत पुराना होने की वजह से उसमें से एक तरह की स्मेल भी आती है, जबकि घर पे पनीर बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। पनीर बनाना तो बहुत ही आसान है, पर पनीर बनाने में बहुत ही छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर वो सारी बातें आप ध्यान में रख के पनीर बनाओगे तो सच मानिए आपका पनीर बिल्कुल बाहर जैसा बनेगा, बिल्कुल बाहर जैसा। हम मलाईदार और सॉफ्ट पनीर बनाने के लिए मैं आज की वीडियो में आपके साथ सारी टिप्स और ट्रिक शेयर करूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। हेलो व्यूअर, हेल्दी कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आज हम पनीर बनाएंगे, परफेक्ट पनीर आज हम घर पे बनाएंगे। तो चलिए आज की ये पनीर की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन गरम रखेंगे जिसमें हम पहले 2 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालने से हमारा जो दूध हम इसमें उबालेंगे वो नीचे चिपकेगा नहीं। यहाँ पे मैंने अमूल का फुल फैट दूध लिया है। कभी भी आप पनीर घर पे बनाते हैं तो खास ध्यान ये रखना है कि फुल फैट दूध ही लेना है। टॉन मिल्क लेने से आपका पनीर हार्ड बनेगा, इसलिए यहाँ पे फुल फैट मिल्क का ही यूज़ कीजिए। और नीचे जो हमने 2 टेबलस्पून जितना पानी डाला था उस वजह से दूध नीचे नहीं चिपक के एकदम गाढ़ा रहेगा। यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है, आप चाहे तो कम दूध का भी पनीर बना सकते हैं। अब दूध को एक बार चम्मच से इस तरह से अच्छे से हिला लेंगे और जब तक दूध हल्का सा गर्म होता है तब तक दूध को फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना नींबू का रस लिया है। नींबू के रस से हम आज दूध फाड़ेंगे, यानी कि 2 लीटर दूध को फाड़ने के लिए 2 टेबलस्पून नींबू का जूस चाहिए। और खास के आप नींबू के जूस को इस तरह से छान लीजिए ताकि इसमें बिल्कुल भी रेसे वगैरह रहे होंगे तो ऊपर निकल जाएंगे। हमेशा पनीर बनाने के लिए नींबू के जूस का ही यूज़ कीजिए, विनेगर से दूध मत फाड़िए। दूध अगर विनेगर से फाड़ के आप पनीर बनाएंगे तो वो बहुत ही हार्ड बनेगा और उसमें से एक तरह की केमिकल की यानी कि बहुत सी तेज खट्टी वाली स्मेल आएगी। अब इसमें पानी डालेंगे, जितना हमने नींबू का जूस लिया था उससे 2.5 गुना इसमें पानी डालेंगे। मलाईदार पनीर बनने का एक रीज़न ये भी है कि नींबू का जूस डायरेक्ट नहीं डालना है, इस तरह से पानी में मिक्स करके ही डालिए। देखिए अब इस तरह से चम्मच से कंटिन्यू हिलाते हुए दूध को गर्म करना है। ये स्टेप भी बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा इसलिए करना है जिसकी वजह से हमारा दूध नीचे चिपकेगा नहीं और इसकी थिकनेस बनी रहेगी। और यहाँ पे एक बात का और ये ध्यान रखें कि कभी भी पनीर बनाने के लिए आप दूध ले तो पहले से बॉईल किया हुआ ना ले, जैसे आज मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे कच्चा वाला ही दूध ले। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मेरी न्यू रेसिपी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हेल्दी कुकिंग लैब को अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब तीसरी बात कि यहाँ पे हमको दूध में उबाल नहीं लाना है, यानी कि दूध में उबाल आने जैसा लगे उससे एक स्टेप पहले ही आपको गैस को बंद कर देना है। देखिए उबाल नहीं आया है और मैंने फ्लेम बंद कर दी है। अब इसमें हमने जो नींबू का रस तैयार किया है वो डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे फिर वापस से हिलाएंगे और वापस से थोड़ा डालेंगे। इस तरह से 2 से 3 पार्ट में डालेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि कभी कभी दूध जल्दी फट जाता है तो आपको लगे कि आपका छेना तैयार हो गया है तो आप उसके बाद नींबू का जूस भले ही बच गया हो पर उसका यूज़ मत कीजिए। अगर छेना तैयार होने के बाद भी आप नींबू का जूस इसमें डालेंगे तो आपका जो पनीर है वो हार्ड बनेगा। देखिए मैंने भी यहाँ पे नहीं यूज़ किया, इतना बच गया है तो वो नहीं डालूंगी। इस तरह से छेना और पानी एकदम से अलग होना चाहिए। अब इस तरह से एक बड़ा सा बाउल लेंगे जिसके ऊपर स्ट्रेनर रख के इस तरह का कोई भी मलमल का कपड़ा लेके उसे गीला करके रखना है। अगर ये कपड़ा आप गीला करके लेंगे तो आपका जो छेना है वो इसमें चिपकेगा नहीं और आसानी से पनीर बन के निकल जाएगा, इसलिए मलमल के कपड़े को हमेशा गीला करके बाद में लीजिए। अब सारा छेना और पानी इसमें डाल देंगे। पनीर बनाने के लिए इस तरह का स्ट्रेनर, 2-3 बड़े इस तरह के बाउल वो आप पहले से तैयार करके रखिए तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी।
अब इस तरह से कपड़े को इकट्ठा करके इसमें से सारा गर्म पानी निकाल देंगे और इसे तुरंत ही स्ट्रेनर के साथ दूसरे बर्तन पे रखेंगे। अब इसे एकदम ठंडे पानी से, यानी कि जो फ्रीज का एकदम चिल्ड पानी होता है, उससे वॉश कर लेंगे। ऐसा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से जो छेना है उसकी कुकिंग प्रोसीजर रुक जाएगी। अगर आप इसे ठंडे पानी से वॉश नहीं करेंगे तो ये पड़े पड़े बहुत ही हार्ड बन जाएगा, इसलिए इसे इस तरह से तुरंत ही ठंडे पानी से वॉश कर लें। अब इस तरह से फिर से एक बार छेने को कपड़े में इकट्ठा कर लेंगे और दूसरे एक बाउल में फ्रेश पानी लेंगे और इस तरह से डुबो के इसे वापस से वॉश करेंगे। इस तरह से करने से इसमें थोड़ा भी नींबू का खट्टापन रहा होगा तो वो भी निकल जाएगा और ये ठंडा भी हो जाएगा, जिससे हमारा पनीर एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब इस तरह से कपड़े के साथ ही छेने को एकदम से निचोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश करेंगे। अब इस तरह से कोई भी बड़े होल वाली इस तरह की जो छलनी आती है उसमें सारा छेना रखेंगे और इसे इस तरह से कोई भी शेप में अच्छे से सेट करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे। अब इस तरह से छेने के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसके ऊपर हमने जिसमें दूध उबाला था वही बर्तन में जितना दूध उबाला था उतना ही पानी भर के रख देंगे। यानी कि आपके पास और कोई वजन वाली चीज़ हो तो वो भी रख सकते हैं, पर सिर्फ इस चीज़ से मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ कि कितना वजन आपको इसके ऊपर रखना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा वजन रख देंगे तो भी जो हमारा पनीर है वो चपटा बनेगा। अब इस तरह से वजन रख के कम 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप फ्रीज में इस तरह से सेट करके 1 घंटे भी रख सकते हैं, तो आपका 1 घंटे में पनीर सेट हो जाएगा। देखिए पनीर को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं, अब हम पनीर को चेक करेंगे। देखिए हमारा पनीर तैयार है ना, बिल्कुल बाहर जैसा। देखिए इसकी थिकनेस, इसकी सॉफ्टनेस बिल्कुल बाहर जैसा है। तो इस तरह के 2-3 कपड़े मलमल के आप घर में रख ही लीजिए, क्योंकि आज की ये रेसिपी फॉलो करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी बाहर का पनीर लाना पसंद करेंगे। देखिए मैं इसे काट के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल बाहर जैसा सॉफ्ट पनीर है। अगर आप नॉर्मल वाला जो 200 ग्राम पनीर बाहर लेने जाएंगे तो भी वो 70-80 रुपीज का आता है, जबकि मलाई पनीर के रेट तो उससे भी ज़्यादा होते हैं। और ऐसा सॉफ्ट और मलाईदार पनीर घर पे सिर्फ 120 रुपये में तो 400 से 500 ग्राम तैयार हो जाता है। और आप तुरंत इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसे एक पानी में डिब्बे में भर के कम 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही काम की ट्रिक है। अगर आप पानी में पनीर को भर के फ्रिज में रखेंगे तो 1 हफ्ते तक वो वैसा ही सॉफ्ट और फ्रेश रहेगा, सिर्फ आपको बीच बीच में उसमें से पानी चेंज करना है। देखिए है ना बिल्कुल बाहर जैसा मलाईदार और सॉफ्ट पनीर। तो मैंने पहले बताया वैसे पनीर बनाना तो बहुत ही आसान है, पर आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स शेयर की है, बस उसका ध्यान रखिए तो आपका पनीर भी बिल्कुल बाहर जैसा सॉफ्ट और मलाईदार बनेगा। फिर भी इस रेसिपी से जुड़े हुए आपके कोई भी क्वेरीज और ओपिनियन हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।